आज किसान आंदोलन की 15 महीनों के बाद समाप्ति का ऐलान हुआ है और प्रधानमंत्री जी को भी सद्बुद्धि आई है, उन्होंने उनकी मांगे मानी है। और इस आंदोलन में जो खासियत रही वो ये है कि किसानों की जो सहन शक्ति थी वो भी कई बार टेस्ट की गई और पूरे वर्ल्ड में ये एक ऐतिहासिक आंदोलन था जिसको पूरे वर्ल्ड के लोगों ने समर्थन दिया। इससे हमारा लोकतंत्र भी मजबूत हुआ है, संविधान भी मजबूत हुआ है और ये देश भी एक जिंदा दिल लोगों का देश है, ये दोबारा से फिर साबित हुआ है। क्योंकि इस देश में तानाशाही, एक तरफा सरकार चलाने का जो रवैया चल रहा था उसको देखते हुए किसानों ने जितने बढ़िया तरीके से इस आंदोलन को चलाया और अपनी मांगों को मनवाने के लिए हर चीज को सहन किया, हर तरह की बेइज्जती, हर तरह के जो उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए वो भी सहन किए, इसके बावजूद उनकी सहन शक्ति जो थी वो जीत गई। तो मैं जिन किसानों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया है और जिन जिन लोगों ने पूरे देश में उनको सपोर्ट किया है, मैं उनको सबको सल्यूट करता हूँ और मैं मोदी जी से एक बात की रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जो 700 किसान किसी भी कारणवश किसी की भी गलती की वजह से शहीद हुए हैं, उन सब शहीदों के लिए एक लाइन का रेजोल्यूशन तो आप डाल ही दो, उनको मुआवजा दो ना दो, जो जिंदा दिल लोग होते हैं उनको मुआवजे की और सहानुभूति की जरूरत नहीं होती, उनको मान सम्मान की जरूरत होती है। जैसे हम अपने शहीदों को मान सम्मान देते हैं, इसी तरह से इन्होंने भी लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी है, उनको भी हमारे को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और पार्लियामेंट चल रही है, अगर आप ये काम करोगे तो आप बड़े होगे, नहीं तो फिर आप जो हो वो तो हो ही। जय हिंद, जय भारत।